हम सब जानते हैं कि थायराइड हार्मोन बॉडी के लिए जरूरी है, ताकि वो आपके बॉडी के अंदर जितने भी मेटाबॉलिज्म है, जितने भी प्रोसेसेस है, आपके मसल है, आपकी बोन है, आपके हार्मोन है, आपके फलाना ढमकाना, एवरी सिंगल थिंग इन द बॉडी इज ट्रिगर्ड, इज एक्सेलरेटेड बाय थायराइड हार्मोन, थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड अगर आपका कम होगा, हाइपोथायराइड कंडीशंस में आपके अंदर बनने वाले सेक्स हार्मोन्स भी कम होंगे, आपके अंदर ऊर्जा शक्ति कम होंगी, आपके अंदर एवरी सिंगल थिंग जो रिक्वायर्ड है ताकत वो भी कम होगी, तो फिर ऑब्वियसली सेक्स ड्राइव भी कम हो जाएगा। सो थायराइड और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हाइपोथायराइड में मान लीजिए आपके मोटापा बढ़ता है, मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, क्योंकि आपका एनर्जी उतनी बर्न नहीं हो रही है, तो जो एनर्जी मिल रही है वो यूज हो रही है कहाँ, फैट बनने में, फैट बन बन मोटापा बन रहा, मोटापा बन बन आपका पेट भार आ रहा, पेट भार आ रहा तो आप ज्यादा अट्रैक्टिव महसूस नहीं कर रहे, कॉन्फिडेंट महसूस नहीं कर रहे, सेक्स ड्राइव लो हो रहा, वैसे ही आप में ताकत नहीं रह रही, सेक्स ड्राइव लो हो रहा, वैसे ही आप में सेक्स हॉर्मोन्स नहीं आ रहे, सेक्स ड्राइव लो हो रहा, वह फिर आपके एक दूसरे से झगड़े भी होंगे, भैया जब अच्छे नहीं लगोगे, ख्याल क्यों नहीं रखते हो, तो खा खा के मोटे होते जा रहे हो, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। सो इस तरह से आपके सेक्स ड्राइव में थायराइड हार्मोन का बहुत ही बड़ा रोल है। सो आप लोगों को अपने थायराइड ग्लैंड, थायराइड हार्मोन TSH, T3, T4 को चेक कराते रहना है, और उसी के साथ अपना बैलेंस रखना है, ताकि आपका सेक्स ड्राइव, थायराइड हार्मोन, मेटाबॉलिज्म, मोटापा, शुगर, बीपी, थायराइड, डायबिटीज, सब कुछ कंट्रोल में रहे। जी हाँ, थायराइड का इन सब में भी बहुत बड़ा हाल है। राइट right.